हेलो गाइस, आई एम पुष्पन धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिस दैट दीज दोज। जनरली हम जब इनका यूज़ करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिस दैट दीज दोज का किस तरीके से यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं, दिस और दैट ये दोनों ही आपके सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं? आपके दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। दिस और दैट दोनों का मतलब यह होता है, यह है या वो होता है। तो जिसमें ये वो ये एक, जैसे दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, यह है एक पेन है। अब दैट का यूज़ कैसे करेंगे? तो दिस का यूज़ आपका हमेशा यूज़ करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं नियर के लिए। मतलब अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आप उसका यूज़ करेंगे दिस में। दैट का यूज़ अगर कोई आपके पास से आपकी कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, वो दूर हो तो आप वहाँ पे इस किस का यूज़ करेंगे? आप दैट का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ अ पेन, अगर वो पेन वहाँ पे रखा है तो दैट इज़ अ पेन। तो दैट पेन वहाँ पे यूज़ करेंगे, दिस पेन दैट पेन। मतलब दिस यहाँ कोई बाजू में आपके पास में कोई चीज़ है, दिस इज़ अ पेन। जैसे आप कोई चीज़ शो भी कर रहे हैं तो दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ वॉच। तो इस तरीके से अगर कोई दूर है तो दैट वॉच या दैट पिक्चर या दैट पिक्चर। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप जब पास की बात कर रहे हो तो आप दिस का यूज़ करेंगे, और जब आप दूर की बात कर रहे हो तो आप दैट का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद आता है दीज और दोज। तो आपको मैं बता देता हूँ, दीज और दोज जस्ट इसके जैसा ही। अगर आप पास की बात कर रहे हैं तो आप दिस का यूज़ करेंगे, और दूर की बात कर रहे हैं तो फॉर का यूज़ करेंगे। दिस जो होता है, दिस का जो प्रूलर फॉर्म होता है दिस का, वो आपका दीज होता है, और दैट का प्रूलर फॉर्म आप दोज मान लीजिए। जैसे कि दीज मीन्स ये बहुत सारी, जैसे यहाँ पे बहुत सारी की बुक्स हैं तो मैं कहूँ दीज आर दी बुक्स। अगर कहीं वहाँ दूर रखें मैं कहूँ दोज आर दी बुक्स। तो मतलब दूर जो है, दोज मतलब बहुत सारी, जैसे वो बहुत सारी किताबें, दोज बुक्स, दोज पेपर, दोज दूर कहीं, जैसे हमने कहीं दूर देखा कि जैसे वहाँ पे बहुत सारे पेन रखे तो दोज पेन्स, अगर जैसे कहूँ यहाँ पे बहुत सारे पेन रखे दीज पेन्स। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना होता है दिस दैट दीज दोज का। तो दिस का समझ ही गए होंगे आप, दिस और दैट का। दिस बिल्कुल जस्ट नियर और फॉर के लिए ही यहाँ पे दीज दैट दीज दोज का यूज़ होता है। जैसे कि दिस का यूज़ हमने नियर में और भी कर लेते हैं, जैसे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, ठीक है, दिस इज़ माइक, दिस इज़ टी शर्ट। और अगर सपोज़ करो, अगर ये चीज़ दूर होंगी तो जैसे सपोज ही कहीं मेरे बहुत दूर, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं, दूर रखी, मतलब मेरे पास में नहीं है, तो मैं कहूँगा दैट, जैसे दैट फैन, दैट मोबाइल, दैट बोर्ड, दैट कंप्यूटर, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए बहुत सारे चीज़ की बात हो रही है और वो सब मेरे पास में ही है, तो मैं कहूँगा दीज पेन्स, जैसे ये बहुत सारे पेन रखे, दीज पेंटिंग्स। और अगर मान लीजिए बहुत दूर हैं, वो कुछ दूर है, मतलब कुछ दूरी पर हैं, तो दोज पेंटिंग, दोज पेंस, दोज बुक्स, दोज लाइट्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको दिस दैट दीज दोज का एक जो कन्फ्यूज़न होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, हिट दी प्रेस बेल का बेल आइकन, क्योंकि आपको जितने भी वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।